फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स। टुडे हम इस वीडियो फॉर स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन वृश्चिक राशि के जातकों का 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, प्लीज़ मुझे बताएँ वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जिनका ज़ोडिक साइन है उनका 16 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय कैसा जाएगा, क्या मैसेज है उनके लिए और क्या प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए 15 डेज के लिए। मैं देखूँगा लवमेट के साथ ही मैं रिलेशनशिप आपका ज़रूर देखूंगी, बाकी आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, किस चीज़ से बचना है, क्या चीज़ अच्छी है तो उसको मेंटेन रखिए। फर्स्ट कार्ड आपका यहाँ पे आ हुआ है कि आप किसी मदरली किसी फीमेल से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, इस वक्त उसके संपर्क में रहिए। इस लेडी का आपके लाइफ में इस वक्त एंट्री दिखा रहा है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी जो है अगर आपकी वाइफ आपसे उम्र से बड़ी है, लव मैरिज हुई है तो उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी दीदी के संपर्क में हैं तो उनसे बहुत अच्छा संपर्क मिलेगा। अगर आपके कलीग्स में अगर बॉस कोई अगर है फीमेल तो उससे संपर्क में रहिएगा, तो चीज़ें जो है वो बेहतर होते रहते रहेंगी। उनके संपर्क में रहना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है कि वो आपकी ड्रीम की ड्रीम ही रह जाएँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है, छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, कुछ डिसीशन से कोई काम आपके पूरे नहीं हो पाएंगे और कोई पुराना लड़ाई झगड़ा अगर इश्यूज़ हो जाते हैं तो आप उसको खुद ही फिनिश कर दीजिएगा, वरना उसकी वजह से आगे जा कर के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी पुराना झगड़ा है किसी के बीच में, जिस कहीं भी किसी फ्रेंड सर्कल में कलीग्स में, उसको फौरन फिनिश कर दीजिएगा बातों में, उसको किस तरीके से मीठी मीठी बातें करके कैसे भी करके। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड बीस्ट का कार्ड है, दैट मीन्स कोई हाई अथॉरिटी वाला कोई पर्सन है जो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपको आपसे अपना काम निकलवा के चला जाएगा और आपको नुकसान करके चला जाएगा। तो ये बीस्ट आपका व्यक्ति, जो बीस्ट कौन होता है, जो दूसरों का खून चूसने में इसको मज़ा आता है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि उस सेल्फिश उस जेलिस पर्सन से आपको दूर रहना है। ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, या हो सकता है कि अभी तक जो प्रॉब्लम चली आ रही हो उसी का वो फ़ायदा उठाए, कोई आसपास का ही आपका कोई जना हो, तो उससे दूर रहिए। अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर मत करिएगा, चीज़ें उसको बताइएगा नहीं। कोई जो भी डिसीशन लिया, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, मत गिड़गिड़ाइएगा, हेल्प लेने की सब किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। मैंने बताया किसी स्त्री समान व्यक्ति से कोई फीमेल है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन किसी से गिड़गिड़ाइएगा नहीं। और नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे कूल और काम का आया हुआ है, चीज़ों को देख परख के शांत स्वभाव रखिएगा, शांत रहिएगा तभी आप डिसीजन लीजिएगा। गर्म दिमाग से कोई भी काम आपको इस वक्त नहीं करना है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्लीज़ अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट मत कर बैठिएगा, तो अपने बलबूते पे काम करिएगा ज़्यादा अच्छा है, अपनी पढ़ाई खुद करिए। और यहाँ पे लव मेट के साथ मैं देखना चाहूँगी कैसा रिलेशनशिप रहेगा इस राशि का। दीज आर द ओरेकल कार्ड दैट यूजुअली आई यूज इन माय रीडिंग्स। तो फर्स्ट कार्ड जो है आपके लिए यहाँ पे रिश्ते में बहुत सारी जो है वो अबेंडेंस को दिखा रहा है, बहुत मिक्सचर रहेगा आपके आपकी आपके रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ें एंटर हो सकती हैं, बहुत सारी खुशी आ सकती है, तो इतनी आप ध्यान रखिएगा उन सब चीज़ों को मैनेज करना आपका काम रहेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि जितनी भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं उन सबको ग्रैप करिए और उनको मेंटेन रखिए। और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपके रिश्ते में हो सकती हैं, आपको चाहिए भी इस वक्त कुछ नया करिए अपने रिश्ते में, कुछ चेंज करिए, कुछ चेंज लाइए रिलेशनशिप में, कुछ नई चीज़ के एंट्री लाइए। जैसे होता है ना एक न्यू लाइफ क्रिएट करना, अपने दोबारा से जीवन करना अपने रिश्ते को, तो इस तरह की चीज़ दिखा रहा है। अच्छा कार्ड है ये भी, ऐसी चीज़ आपको ऐसा फील होगा अपने रिश्ते में कि कुछ नया हुआ है मेरे रिश्ते में, तो मैं जो हूँ कुछ नया नवीन फील कर रहा हूँ, कुछ न्यू थिंग हो रही है। जो कोई भी आपको अपना लव मेट इस वक्त सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हीलिंग वाला कार्ड है, उसके लिए रेस्पेक्ट रखिए। आपको सपोर्ट अगर वो दे रहा है, आपका हाथ थाम रहा है, तो हाथ पीछे मत करिएगा, हाथ जरूर थामिए उस व्यक्ति का जो कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो आपका लव मेट हो,
अगर आप सिंगल हैं तो सकता है उसी से जाकर के आपकी आगे जाके आपका नॉट बंधे। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोई भी मेल या फीमेल कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त रिश्ते में, ज़रूरी है कि उसके प्रति आपको रेस्पेक्ट रखना है, उसका हाथ पकड़ना है। ईश्वर बार बार किसी का हाथ अच्छे दोस्त नहीं देता, तो ध्यान रखिएगा कि एंजल्स की तरफ से मैसेज है कि कोई आपको हाथ थामेगा इस वक्त, हेल्प करेगा इस वक्त, कोई जना आपको, आपके खुद के हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, आपके जो भी आपके लव मेट हो। रिश्ते में बैलेंस बना के चलिए, बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव मत हो जाइएगा, बैलेंस बना के चलना है, चीज़ों को बैलेंस फ्रेम में तब उसको हैंडल करिएगा तो चीज़ें आपको बेहतर होते हुए नज़र आएंगी। आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।